हम स्टार्टिंग में सब कुछ कर चुके हैं, तो रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट, राइट? सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, आइडेंटिफिकेशन सेम है, जैसे वही चार बॉक्सेस हैं, इसमें से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हो, से रही हो, से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं। ओके, अब फिर एक्सप्लेन कर देता हूं इनको। से रहा हूं, हम अपने बारे में बात करेंगे तो ये कहेंगे मैं 2 साल से वहां पे उस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं वो उस स्कूल में 2 साल से पढ़ा रहा हूं, से रहा हूं, हर सेंटेंस के पीछे या कहीं पे भी से रहा हूं जरूर आएगा। विदाउट से रहा हूं कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। से रहा हूं, मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं, मैं उस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं ये काम पिछले 10 साल से कर रहा हूं, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तो सब में आएगा से रहा हूं, से रहा हूं। अपने बारे में बात करेंगे तो आई को यूज करेंगे, जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सो आई को यूज किया। सो कोई भी मेल अपने बारे में बात करेगा तो यही कहेगा से रहा हूं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूं, 2 साल से स्टडी कर रहा हूं, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम 2 साल 5 साल से कर रहा हूं, से रहा हूं, से रहा हूं, से रहा हूं, से रहा हूं आएगा। इसी तरह से कोई फीमेल अपने बारे में बताए, वो आई को यूज करेगी, वो भी आई को यूज करेगी, और से रही हूं बोलेगी, मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूं, 5 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूं, मैं 5-10 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं, 10 साल से। आपको आइडेंटिफिकेशन यहां देखना, से रही हूं, राइट? सो आई यूज करेंगे, से रही हूं, मैं 5 साल से पढ़ा रही हूं, मैं 5 साल से 10 साल से इस चीज के लिए कोशिश कर रही हूं, से रही हूं आएगा ही आएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आइडेंटिफिकेशन को निकाल देंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंस ही नहीं बनेगी। से रहा हूं, से रही हूं। नेक्स्ट यू, हम दोनों खड़े हैं, हम किसी सामने किसी के बारे में बात करें तो यू बोलेगी कि तुम 2 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हो, तुम 10 साल से वहां पे ये चीज कर रहे हो, तुम पिछले 20 साल से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, से रहे हो, से रहे हो। आप इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते, सामने होंगे और ये सेंटेंस इसी तरह से आएगा, से रहे हो, तुम क्या, तुम पिछले 2 साल से 5 साल से क्या कर रहे हो, तुम पिछले 2 साल से क्या कर रहे हो, से रहे हो आएगा, ठीक है? इसी तरह से सामने किसी फीमेल, चाहे वो जैसे मैंने बताया लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, या फिर एनिमल हो, से रही हो ही आएगा। तुम पिछले, अगर किसी भैंस को भी कहें कि तुम पिछले 2 साल से इस खेत में घास क्यों खा रही हो, क्वेश्चन पूछ लिया, कितना सिंपल, आपको लगेगा बड़ा टफ है, अब इसको कैसे ट्रांसलेट करें, वो ट्रांसलेट करने के लिए ये टेंस सीखना ही पड़ेगा, राइट? हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम इसे नहीं सीखेंगे और इसके बिना सीखे हम बोल देंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो से रही हो, सामने कोई फीमेल है, वो चाहे इंसान है, चाहे एनिमल है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है, राइट? सो उसको क्या कहेंगे, से रही हो। ओके, तुम 2 साल से उस कंपनी में काम कर रही हो, 5 साल से उस स्कूल में पढ़ा रही हो, से रही हो, से रही हो ही आएगा। ओके, नेक्स्ट से, और उसके बारे में यूज करेंगे यू, यू ही कहेंगे ना, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स, यू हैव बीन वर्किंग इन, यू हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, कुछ भी बोलेंगे तो यू लगाना पड़ेगा, सामने चाहे मेल हो फीमेल हो, यू ही बोलना पड़ेगा। फिर मेल को यू बोलेंगे, फीमेल को यू बोलेंगे, और मेल फीमेल में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, पूरे पूरे प्लेनेट पे कोई भी चीजों के बारे में यू को बोलेंगे तो यू के साथ यही आएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये रूल रेगुलेशंस होके हमें ये सब सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे। कंप्लीट, ही शी इट एनी नेम सिंगुलर, से रहा है, हम दोनों खड़े हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात करें तो या तो वो ही होगा या शी होगा या इट होगा, एनी नेम होगा या कोई भी नाम होगा या सिंगुलर होगा। से रहा है, हम कहेंगे वो पिछले 5 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा है, कितना सिंपल लग रहा है आपको बोलने में, वो पिछले 5 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन इसी टेंस में आएगा, वो पिछले 5 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहा है, रहा है और से आ गया सेंटेंस में, सेंटेंस में से रहा है आएगा ही आएगा। आपकी आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सेंटेंस सुनते ही पता चल जाए कि ये किस टेंस का है, आपकी आइडेंटिफिकेशन, आप सोचते हो कि ये चीज, ये बहुत जरूरी है, मस्ट है, आपको सेंटेंस सुनते ही ये पता चलना चाहिए कि कौन से टेंस का है, से रहा है, राइट? वो 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है,
हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो, ये भी यही कहेगा ना, वो पिछले 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है। और क्वेश्चन पूछ लें, यार एक बात बताइए, क्या वो पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है? क्या वो पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है? सो से रहा है आएगा, आएगा, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना दो, कितना ही घुमा फिरा के बोल दो, कैसे ही बोल दो, ये से रहा है आएगा ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो से रही है, वो पिछले 5 साल से पढ़ा रही है, वो 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, वो वहां इस प्रोजेक्ट पे पिछले 10 साल से काम कर रही है, वो वहां पे इस काम को पिछले 20 साल से कर रही है, सब में आएगा से रही है, से रही है आएगा ही आएगा सेंटेंस में, बीच में इधर, मतलब कितना स्टाइलिश हिंदी बोलेंगे तो भी से रही है आएगा ही आएगा, कितनी सिंपल हिंदी बोल दे तो भी से रही है आएगा, स्टाइलिश हिंदी बोल दे तो भी से रही है आएगा ही आएगा सेंटेंस में, इसको निकालोगे तो फिर सेंस ही नहीं बनेगी, सेंस नहीं बनेगी, सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा, मीनिंग नहीं बनेगी उसकी, फिर उसको चेंज करने या कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, राइट? से रही है, क्लियर। अब करेंगे वी दे प्लूरल की बात, वी दे प्लूरल, वी दे और प्लूरल, उससे से रही है, से रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो गए, अब ये देखिए से रहे हैं। हम किसी मेल की बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे मेल हैं, वो चाहे इंसान है, एनिमल है, या नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी हिंदी में उसको बोलेंगे निर्जीव चीजें, तो से रहे हैं, ये पेड़ पिछले 5 सालों से बढ़ रहे हैं, हमने पेड़ों के बारे में बात की है तो भी ये आइडेंटिफिकेशन उसमें आया ही आया, ये पेड़ पिछले 5 सालों से बढ़ रहे हैं, से रहे हैं, ये पेड़ पिछले 5 सालों से नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब खाद दी गई है, सब कुछ पानी दिया गया, फिर भी नहीं बढ़ रहे हैं, से आया, से रहे हैं, से रहे हैं, प्लूरल है, ये पेड़ मतलब ये बहुत, ये पेड़ मतलब दे, या फिर दीज ट्रीज, राइट? सो ये दे, वी दे प्लूरल, इसमें से रहे हैं, सामने कोई मेल है, सामने मेल चीज है, वो चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, से रहे हैं। इसी तरह से किसी ऐसी चीज के बारे में बोलेंगे जो फीमेल है और बहुत सारी हैं, फीमेल है बहुत सारी है, वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनिमल कुछ भी हो, तो उसमें से रही हैं। ये नदियां पिछले 5 सालों से अच्छी बह रही हैं, कुछ भी सेंटेंस बना दो अपनी मर्जी का, जैसे तैसे कोई भी सेंटेंस, ये आइडेंटिफिकेशन आएगा ही आएगा। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, तो हम इस रूल को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस बना देंगे, क्लियर? बहुत इजी है, वही 4 बॉक्सेस हैं, उन 4 बॉक्सों में दो दो के पेयर है, मतलब जोड़े हैं, और उनके आगे आई यू ही शी नेम सिंगुलर और वी दे प्लूरल सेम, वैसे के वैसे लिखे हुए हैं, वो फॉर्मेट सेम है, कॉपी। ये रूल्स हैं, रूल्स में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन, इसको रटना कैसे है पहले बताया, क्यों रटना है वो आपको पता है, पिछले हर चीज को मैं बता चुका हूं, क्यों रटना है, कितनी बार रटना है, फायदा क्या होगा उसका, उसका कितना अच्छा फायदा मिलेगा, आप क्या सोच रहे हो, रियलिटी क्या है, सब चीज मैं क्लियर कर चुका हूं और रिवाइज भी करता रहूंगा और बताता भी रहूंगा क्या रीजन है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, कैसे इसको क्रम करना है फिर बता देता हूं, हैज हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, कितनी बार बोलना है, 300, 400, 500, हाँ जितनी ज्यादा बार बोलोगे उतना परफेक्ट होगा। बताया था इनको क्रैम करना है, लर्न नहीं, याद नहीं करना, थोड़ा सा इसको इतना क्रैम करना है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में इतना स्ट्रांगली हो जाए, जब आप किसी से इंग्लिश में बात करें, कोई सेंटेंसेस बोले, किसी से बात करें, तो सामने वाला ये ना कह दे कि आप तो ग्रामेटिकली यहां पे रॉन्ग बोल रहे हैं, ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहां ग्रामर की ये मिस्टेक है, क्यों आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये स्ट्रांगली आपको याद नहीं होंगे,
आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे हाँ हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये परफेक्टली आप इसको रिवाइज करने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए आप अपने घर पे जाके नोटबुक में दोबारा से कि मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था, उसने मेरी गलती निकाली है तो मैं देख लूं क्या मैं गलत हूं या क्या मैं सही हूं, इतना टाइम होगा क्या? तब तक तो इंसल्ट हो चुकी होगी कि आपको पता ही नहीं आप गलत बोल रहे हो। आपको इसलिए क्रैम करना है ये रूल्स ताकि सामने वाला कुछ बोले तो आप बोलो क्या गलत किया बताओ। ठीक है, आपको सामने कोई मिस्टेक बताए कि आपकी इसमें ये मिस्टेक है तो आप उसको बता सको कि क्या मिस्टेक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो क्या मिस्टेक है बताना, ताकि वो फिर फील करे कि आपको ज्यादा नॉलेज है, वो कहे नहीं 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 मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, राइट? सो आप ये पूछेंगे क्या मिस्टेक है बताओ, वो कहेगा ये मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक है, ग्रामर का रूल ये है वो है, तो आपको चाहे सामने वाला पीएचडी इन इंग्लिश हो आपको वो कंफ्यूज नहीं कर सकता। इसलिए क्रैमिंग, क्रैमिंग बताया जैसे आप टेबल में, हर बार ये बात रिवाइज करता हूं, हर बार टेबल आपकी क्या होता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, जैसे हिंदी में 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 10, आप कहेंगे 2 2 4, कोई कहेगा नहीं गलत है, तो आप एकदम से गलत नहीं है, कॉन्फिडेंस कितना है, क्यों क्रैम कर रखा है, उसी टाइम आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, आप घर पे जाके नोटबुक में थोड़ा देखा उसने कि 2 2 4 होता है या 6 होता है, कंफ्यूज नहीं थे ना। इसी तरह से क्रैमिंग करने का ये फायदा है, हर बार हर चीज में ये मैं रिवाइज करता रहूंगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब कैसे क्रैम करनी है बता दिया, कितनी बार क्रैम करनी है बता दिया, बहुत ज्यादा वर्ब, वर्ब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्यों, कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सो नेक्स्ट क्या होगा, आई वी यू द प्लूरल, और किसके साथ हैज बीन, किसके साथ हैव बीन, आपने जो पास्ट में देखा था इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिनके साथ हैज आएगा, जिसके साथ हैज आएगा उसके साथ ही बीन लग जाएगा, जिसके साथ हैव आएगा उसी के साथ बीन लग जाएगा, वो प्रैक्टिस आपने पहले कर ली, राइट? सो आई वी यू द प्लूरल हैव बीन, 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 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, I be you the plural have been, I be you the plural have been, I have been, you have been, we have been, they have been, plural have been, I have been, we have been, you have been, they have been, plural have been, I have been, we have been, you have been, they have been, plural have been, right? इस तरह से क्रैम करना बहुत ज्यादा बार। He she tiny name singular has been, 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 right? हो गया, he she tiny name singular has been, और इसको ऐसे भी क्रैम करना है, he has been, she has been, it has been, any name has been, singular has been, he has been, she has been, it has been, any name has been, singular has been, it has been, sorry, he has been, she has been, it has been, any name has been, singular has been, ऐसे क्रैम करना है ताकि आप जब बोले तो has been अपने आप इनके सब्जेक्ट्स के साथ अपने आप लग जाए, राइट? निश्चित समय के लिए सिंस, हाँ एक ये रूल है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज होता है, क्लियर? और ये रूल, रूल नंबर 6 और 7, तो ये हर टेंस में बार बार रिपीट होंगे, राइट? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के आरंभ में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, राइट? क्या, ये जो क्या वर्ड है अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, क्लियर? और नेक्स्ट, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसे, किस लिए, किसके साथ, किस टाइम आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, किसने, किसके साथ, किस टाइम आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, किसने, किस लिए,
वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस पर्सन वाचक शब्द की इंग्लिश आएगी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे रटना है कितनी बार? 400, 500, 600, 1000 बार। क्यों रटोगे? जितना ज्यादा रटोगे उतना स्ट्रांग होगे। हमेशा जब भी आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं या फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उस टाइम आपको ये फील होगी कहीं मिस्टेक तो नहीं है, तो आपको रूल इतने अच्छी तरह से, इतने क्रैम कर रखे, इतने अच्छी तरह से याद होंगे, आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे, नहीं नहीं मिस्टेक नहीं है, तो आप लिख दोगे, राइट। इसलिए इसलिए इतनी क्रैमिंग करनी है इसको। अब ये रूल्स को यूज करते हुए देखो, हर बार एक ही फॉर्मेट आ रहा है, ये बॉक्सेस आ रहे हैं, उसके बाद ये रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं, तीन ही चीज है। ये आइडेंटिफिकेशन आ रही है, स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ये रूल्स आ रहे हैं, ये रूल्स वही दो रूल तो हर बार उसी बार बार रिवाइज हो रहे हैं, वही रूल है दो, ये थोड़े से चेंज होते हैं, थोड़े से वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी है ये इतना चेंज होता है। और अब एग्जाम्पल, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, से रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन ढूंढ लो, से रहा हूं, कहां है आइडेंटिफिकेशन? से रहा हूं, ये रहा। अब ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन को हटा देते हैं। अब इस आइडेंटिफिकेशन को अगर हटा देते हैं, रहा हूं हटा दिया, तो ये आएगा मैं पिछले 5 साल से पढ़ा, सेंस ही नहीं बना तो सेंटेंस ही नहीं बना। अब ये से रहा हूं भी हटा दिया और से भी हटा दिया, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा, क्या पढ़ा? मैं पिछले 5 साल से पढ़ा, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा, सेंटेंस ही नहीं बना। तो आइडेंटिफिकेशन की स्ट्रेंथ कितनी है ये आपको समझना होगा, कि अगर आइडेंटिफिकेशन को निकाल दें सेंटेंस में से, अगर हम सेंटेंस में से आइडेंटिफिकेशन को निकाल दें, तो क्या सेंटेंस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरह से समझना और प्रिपेयर करना और क्रैम करना, इतनी बार रटना कि ये लाइफ में हमेशा के लिए हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए, राइट। सो ये चीजें, से रहा हूं, ये रहा, आइडेंटिफिकेशन क्लियर। मैंने इसको हाइड किया तो आपको पता चला कि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। नेक्स्ट, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, राइट। मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, रहा हूं से और नहीं, नेगेटिव है इसलिए नहीं आ गया, और से रहा हूं, यही चीज है, से रहा हूं, क्लियर। अगला, क्या मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, से रहा हूं, रहा हूं के नीचे आ गया से, तो से रहा हूं, से रहा हूं। इसके अलावा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेंगे नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी कोशिश कर लो, ये ऐसे ही है, फिक्स्ड है, ये हमेशा के लिए फिक्स है, और इसको आप अच्छी तरह से क्रैम कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, क्या मैं 5 साल से रहा हूं, अब मैं बीच बीच का छोड़ रहा हूं, क्या मैं 5 साल से नहीं रहा हूं, से रहा हूं, से नहीं रहा हूं, से रहा हूं, से नहीं रहा हूं, से रहा हूं, से नहीं रहा हूं, क्या मैं रहा, क्या मैं से रहा हूं, क्या मैं से नहीं रहा हूं, तो ये से रहा हूं आएगा ही आएगा, राइट। अब ये वाला जो है, इसमें यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, ये आ गया क्या, सबसे पहले आ जाए वाक्य के आरंभ में, आ गया स्टार्टिंग में, तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब किसके, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, ये रूल इसमें लिखा हुआ है, यही फॉलो कर रहा हूं मैं यहां पे, हैव आई बीन, तो हैव के साथ आई आ गया। ओके, क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसमें कोई व्हाट वेयर व्हेन व्हिच कुछ भी नहीं लगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद आई आया, फिर बी, आई मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार हैव, जो आई है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई, और फिर बाद में जो नॉर्मली है वही आया। क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, क्लियर, ये WH फैमिली। सो इसको रिवाइज कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या फायदा है, वो भी क्लियर कर चुका हूं। मैं 5 साल से पढ़ा हूं, आई हैव बीन वर्किंग, सॉरी, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। और इसके ये जो दो बॉक्स बने हैं, स्पेस नहीं था, आप और भी बना सकते हैं, और ये जो पेयर है WH फैमिली के, जैसे एक पेयर बना दिया, एक जोड़ा, दो जोड़ा, इस तरह से 4-5 जोड़े ही बनेंगे, उसके बाद बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं बनेंगे, सेंस नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। तो आप जहां तक सेंस बनती जाए उनको बताते जाओ, एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि कैसे जनरल लाइफ में ये यूज होते हैं। जैसे हमसे पूछता है कोई कि आप कब से पढ़ा रहे हो, एक क्वेश्चन पूछेगा ना, अब ये आपको लगेगा कि पता नहीं ये एक नॉर्मली फिक्स्ड फॉर्मेट है, नहीं, ये जनरल लाइफ में यूज होता है बोलने में। कैसे,
कोई आपसे यही पूछेगा ना, आप कब से पढ़ा रहे हो, आप कब से पढ़ा रहे हो, ये पूछेगा ना। सिंपल क्वेश्चन है, आप कब से पढ़ा रहे हो से रहे हो। आगे आइडेंटिफिकेशन तो पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्लियर। तो से रहे हो उसने बोला, आप कब से पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप कहोगे मैं तो 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ऐसे बोलोगे ना, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, स्टाइल में हिंदी बोलेंगे तो इसे से ना, हाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूं, यस आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। इतनी स्पीड में आपने बोल दिया क्या, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, क्या बोला, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, क्लियर। सो इसी तरह से सारी आइडेंटिफिकेशन, सारे सेंटेंसेस इसी में बनेंगे, लाखों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस, जो भी जितने भी हैं, जो भी आएंगे इसी में आएंगे, और ये एक बार परफेक्ट हो गया हमेशा के लिए लाइफ में, हमेशा के लिए परफेक्शन, राइट। सो एक सेंटेंस बोलो, फिर दूसरा सेंटेंस चूज कर लो, उसके ऊपर बोलो, तीसरा सेंटेंस चूज कर लो उसके, आई हैव बीन, एग्जाम्पल कैसे रखना है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। एक बार मैं बता दूं कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है, फिर वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, पिछले 10 साल में हमने 20-30 हजार ओवर खेले हैं, तो हर बॉल को हमने प्रैक्टिस की है, और अब हमें हर बॉल याद नहीं है कि कौन सी बॉल कितनी ऊंची उठी थी, बाउंस गई थी, यहां लगी थी, यहां लगी थी, कट हो गई थी, स्लिप में आउट हो गई थी, मैं कैच आउट हो गया था, ये याद नहीं रखोगे ना, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। उसी तरह से ये करनी जरूरी है, ये नहीं करोगे फ्लुएंसी नहीं आएगी, ये नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अगेन मैं रिपीट करता हूं, हर बार रिपीट करता हूं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्यूटर, आई एम अ ट्रेनर। सो मुझे कैसे परफेक्टली किस परफेक्ट बनाना है किसी को, वो मुझे पता है, और इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो ही काम होगा, राइट। और ये प्रूव्ड है, ये नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव मेड देम परफेक्ट इन इंग्लिश, राइट। हजारों स्टूडेंट्स परफेक्ट हो चुके हैं यही फॉर्मेट में करके, और ये नहीं कि हो चुके हैं उसी डे, नेक्स्ट डे, आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कल उतने ही परफेक्ट हो जाते हैं जितने मैं हूं। इसको कहते हैं ट्रेन करना, ट्रेनिंग, राइट। ऐसा नहीं कि मैं टीचर होता है, समझा दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, वो थे टीचर और ट्यूटर, आपको समझ में आया ठीक है, कुछ डाउट हो तो बता दिए। यहां क्या होता है, डाउट नहीं, आपको वो चीज, आपके अगर फील है कि मुझे सीखना है तो सिखाया ही जाता है, उसको ट्रेनर कहते हैं, ट्रेन करना, ठीक है। सो वो तभी होगा जब मैं जैसे बताऊंगा कितनी देर क्या बोलना है, कितनी देर कैसे प्रैक्टिस करनी है। जैसे बताया कि कम से कम आपको इसको 400-500 हजार बार रट लो, क्यों, टेबल जैसे रटते हैं, पहाड़े जैसे रटते हैं, इसी तरह से ये इतनी बार रटो कि आप इसके मास्टर हो जाओ, राइट। इसी तरह से ये इतनी बार रटो कि फ्लुएंसी आ जाए। और ये किस लिए होता है कि आप ये चीजें याद नहीं रखनी कि मैंने आप समझाई है कि लाइफ में बोलनी पड़ेगी इसलिए रट रहे हो, नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये बोलते बोलते ये रूल जो है किसके साथ हैज बीन, किसके साथ हैव बीन, ये जवान पे सेट हो जाए और एकदम सही जगह पे सेट हो जाए, बोल बोल के कि जब आई आएगा तो अपने आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा क्या लगेगा, सब कुछ अपने आप सेट हो जाए। इसलिए बस इसका इतना ही काम है। इसलिए प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ही सेंटेंस को 20 मिनट तक बोलते रहो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स, हाँ मैं 5 साल से, AWH फैमिली है, इस पर हिंदी में बता देता हूँ, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 साल से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हाउ हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हाउ हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, I have been teaching for 5 years. I have not been teaching for 5 years. Have I been teaching for 5 years? Have I not been teaching for 5 years? Why have I been teaching for 5 years? Why have I not been teaching for 5 years? What have I been teaching for 5 years? What have I not been teaching for 5 years? Clear? Do you understand that? Okay, come to the point now. Okay. Isko revise karna hai 20 minutes tak. I have been teaching for 5 years. I have not been teaching for 5 years. Have I been teaching for 5 years? Have I not been teaching for 5 years? अब वो बात करें, अंग्रेज बोलेगा वो भी तो यही सेंटेंस यूज करेगा, यही टेंस यूज करेगा, ऐसे सेंटेंस बोलेगा जब उसको ये पूछोगे कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, तो वो आंसर क्या करेगा, ये कहेगा अगर वो 5 साल से किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में किसी पढ़ा रहा है, तो यही बोलेगा ना, आई हैव बीन, सॉरी क्या है, ओके आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, क्लियर। तो वो आप ये सोचते हो इंग्लिश जो अंग्रेज है वो कुछ अलग लैंग्वेज बोलते हैं, नो नो, यही यही टेंस, यही सेंटेंसेस बोलते हैं।
आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स राइट, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, कोई एक पूछेगा ना कि क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो गवाही देते हैं कि भाई मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं क्या, कितने आपको लगेगा टफ हिंदी बोल दी कि कॉम्प्लिकेटेड, इसको कैसे बनाया, इसी में बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई कर लो, क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं। अब ये सेंटेंस कितनी तरह से मोल्ड करके बोलोगे, लेकिन सेंस तो यही बनेगी, क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा। हाँ एक बात, ये जैसे क्या बोलते हैं ना, क्या यदि वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, लेकिन अगर हम हिंदी को घुमा फिरा के बोलते हैं क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो वो क्या, सॉरी वो तो आएगा, लेकिन क्या क्या मैं पिछले 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पिछले 5 साल से क्या, ये क्या बीच में आ गया, तो पहले ही बताया था इसका मतलब ये नहीं होता कि तीन इधर छोड़ दो, तीन इधर बिल्कुल बीच में आना चाहिए, ऐसा नहीं, ये है कि इससे और इसके बीच में कहीं पे भी आ जाए। और फिर इसका एग्जांपल कि क्या, क्या वाला जो है, अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे कि क्या मैं पिछले 5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसको ये वाला सेंटेंस और किस तरह से बोला जा सकता है वो बताता हूं। क्या मैं 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूं, मैं 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूं, इसको यहां पे भी रख सकते हैं, क्या पढ़ा रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, इसी को बोलने की स्टाइल है हिंदी में, क्या पढ़ा रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या स्टार्टिंग में आ गया, तो आप सोचोगे ये वाला रूल फॉलो करने पड़ेगा, नहीं ये वाला रूल फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो वाला क्या का सेंस अलग है, सेंस अलग है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, ये एक अजीब सा क्वेश्चन है ये अपने आप से, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स राइट, सो व्हाट हैव आई बीन टीचिंग, सर ऐसे भी बोल देंगे तो भी यही आएगा, ऐसे बोल देंगे क्या पढ़ा रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, इसका देखो मैं 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूं, हिंदी को बोलने के तीन चार तरीके हो, तीन चार तरीकों से एक ही सेंटेंस बोला जाता है, मैं 5 साल से क्या पढ़ा रहा हूं और क्या पढ़ा रहा हूं मैं पिछले 5 सालों से, दोनों एक ही हैं, क्यों, सेंस एक है, उसका सेंस ये नहीं हुआ कि ये वाला नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस करनी है फिर से, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, आई हैव कितने 20 मिनट से 30 मिनट तक एक को सेंटेंस को लगे रहो, फिर अगले 20 मिनट तक दूसरा सेंटेंस ले लो, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाट हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, इसी तरह से आई को हटा के ही लगा दो, ही लगाते हैज लग जाएगा, हैव हट के हैज लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जबान पे सेट, प्रैक्टिस करनी है तभी आएगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, ही हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैज ही बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, हैज ही नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैज ही बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, व्हाई हैज ही नॉट बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, what has he been teaching for 5 years, what has he not been teaching for 5 years, why has he been teaching for 5 years, why has he not been teaching for 5 years, right, clear, so इस तरह से बार बार इसको क्रैम करना है, और इसलिए क्रैम क्यों करना है, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, ताकि कभी भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़े तो फ्लुएंसी के साथ है, कॉन्फिडेंस बना रहे, और आपको कोई ये कहे कि आप यहाँ पे गलत हो तो कहेंगे, ये नहीं सोचेंगे हाँ गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपने रूल्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर, कितने रूल हैं, ये तीन चार तो यहां पे लिखे होते हैं, ये दो सेम ही है, हर बार हर टेंस में ये दो रूल तो चेंज ही नहीं हो रहे, सेम की सेम पड़े हैं, बाकी ये बचा ये तो थोड़े से चेंज होते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो सब है, इसलिए फॉर्मेट वही चार बॉक्स आते हैं, वो चीजें ये चीज क्लियर है, ओके, सो इस तरह से आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई मटेरियल नहीं है पूरे वर्ल्ड में इस तरह का फॉर्मेट बनाया हुआ कि मैंने जो बनाया है, एक रिसर्च है और स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा है, वो नेक्स्ट डे उतने ही परफेक्ट हो जाते हैं जितना मैं चाहता हूं और जितना मैं हूं इस फील्ड में, राइट, सो ये एक प्रूव्ड तरीका है, ऐसा नहीं कि आप कोशिश करो आपको आ जाएगी, नहीं, कोशिश नहीं, नेक्स्ट डे ये चीज उतनी परफेक्ट जितनी मेरी है, क्लियर, ट्रेनर का यही काम होता है और ये प्रूव्ड है, ओके, सो सारी चीज मैं क्लियर कर चुका हूं, क्या फायदा है रटने का, क्या उससे फायदा है, अपनी करेक्शन कर पाएंगे कि हाँ ये सही है या वो सही है, गलत है क्यों गलत है, तो आप ही क्योंकि आपके रूल आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप क्लियरली उस चीज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ओके,